परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया हुआ और हम इस गवाही को परमेश्वर के दास के मुख से सुनेंगे और निश्चय इस गवाही को हम भी रिसीव करेंगे कि परमेश्वर जैसे जिस सिस्टर ने आपको इतना बड़ा मान दिया, परमेश्वर आप हमारे मनों को भी बहुत सारा ऐसे खोल चुके हो और परमेश्वर आपको इस गवाही से बहुत सारा ब्लेस करेंगे। आमेन, हालेलुया। और सुनो, मैं कुछ लोगों के मन को जब देखता हूं, क्या देखता हूं, तो मेरा मन पिघल जाता है। बोलो, मेरा मन पिघल जाता है कि एक आम एक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति भी परमेश्वर के लिए उसके पास कितना मन है। बोलो बोलो, अभी जैसे बेनी जी आपका एक स्पेशल बीज है, जैसे हम स्पेशल बीज बोलते हैं, बोलो पंजाबी में देते हैं, इंग्लिश में से स्पेशल बीज परमेश्वर के लिए, उसके काम के लिए, है ना। जैसे भवन की कुछ चीजों के लिए हमने अनाउंस किया था, तो ये बहन घरों का काम करती है, जैसे औरतें घरों का काम करती हैं, तो यहां से आने से पहले इसके पास कुछ ज्यादा घर थे, ज्यादा काम करती थी, पर जब जी परमेश्वर के भवन में उसकी आई से सिंचाई का पता चला, तो इसने उस काम को कम कर दिया, क्योंकि इसने कहा कि अगर मैं ज्यादा कामों में बिजी रहूंगी तो फिर परमेश्वर की जो संगति है वो मुझसे सुनी नहीं जाएगी। समझती हूँ, ये आज आपको इस मिनिस्ट्री में आई कितना समय हो गया? 6 महीने। 6 महीने हुए। कितने? 6 महीने। आप 6 महीने से रेगुलर लगातार आ रहे हो कि वीरवार वीरवार? ये 6 महीने से हर संडे और हर वीर आ रहे हैं। और बाइबल में लिखा परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं है। बोलो क्या है? 6 महीने हो गए इसे, हर संडे हर वीरवार। इसी की वजह से ये जो घरों का काम करती थी ये सिस्टर, इसने कम कर दिए, कुछ घर छोड़ दिए कि मैंने परमेश्वर का वर्ड है जो उसका वचन जो अब सच्चाई उसकी मुझे मिली है, पहले तो मैंने ऐसे अपना जीवन गुजार दिया, तो अब मैं ये समा गवाऊंगी नहीं। समझते हो? तो सबसे पहले तो इसने ये काम किया। और पिछले संडे जब जे आई और इसने सब लोग मतलब जैसे संगति, जैसे हम फ्री हुए संगति से, तो ये लास्ट समय तक रही और इसने कहा कि मैं आज अपना कुछ बीज बोना चाहती, तो मैंने सोचा ये क्या बोएगी, है ना, तो समझती हूँ। तो इसने सबसे पहले मुझे बताया कि अब मैं एक ही घर का काम करती हूँ, दो घर का ये काम करते हैं, और दोनों घर से आप महीने के कितने पैसे मिलते हैं? 1400। अभी दो घर का ये काम करते हैं, पहले कितना करते थे? पहले 5 घर का ये काम करते थे, अभी 3 छोड़ दिए क्योंकि संगति को अटेंड करना है, परमेश्वर के वर्ड को, उसको वचन को अपने जीवन में लेना है। देखो, तो अभी ये सिर्फ 2 घर का सिर्फ काम करती है सिस्टर, और 2 घर से इसे 1400 रुपए मिलते हैं। कितने? 1400। और 1400 से हमने जो परमेश्वर के स्पेशल 20 के लिए अनाउंस किया था, 2000। कितना? 2000 मतलब 2000, कुछ भी नहीं है। बोलो क्या है? कुछ भी नहीं है। हमने अपनी बीमारियों पर हजारों, कईयों ने तो गरीब लोगों ने लाखों भी खर्च किए और लाखों का कर्ज भी ऊपर आ गया। इसने उन 2 घर वालों से एडवांस 2400 रुपया लिया। कितना? दोनों घर वालों से 2400 रुपया एडवांस उनसे ले लिया, इस बात के लिए कि मैंने 2000 परमेश्वर के भवन में उसके काम के लिए बोना है। क्या करना है? मैंने परमेश्वर के काम के लिए बोना है। इसने 2400 उससे एडवांस ले लिया और 2000 परमेश्वर के भवन के लिए उस बीज को डाल दिया, और सिर्फ 400 रुपया अपने लिए रखा, क्योंकि ये हर संडे वीरवार आती है तो कुछ इसको किराया भी चाहिए। पर मैंने अभी ये
अपनी अपनी फैमिली से नहीं, बच्चे तो इसके अभी पढ़ते हैं, तो इसका पति है, तो वो बस घर का ही गुजारा, और ये इसने खुद अपने ऊपर इस चीज को किया है, समझते हो? अभी इसका मन है, मैंने आपको मतलब बोला कि मैंने आपको दबाया कि आपको अपने देना ही देना है, कि आपने अपनी स्वतंत्र इच्छा से ये काम किया है? नहीं, मैं अपनी खुशी से, मैंने अपनी खुशी से किया। कैसे किया है? मैंने तो नहीं ऐसे कहा कि आप थो ही दो, कहीं से भी लेकर आओ, क्योंकि मैं कई लोगों का मन देखता हूं, कईयों के पास बहुत है पर मन नहीं। इसीलिए आज की मीटिंग भी है स्पेशल सीट के ऊपर। मैंने तो इसे इनकर्स नहीं ना किया कि करना है, ये इसका मन है, इसका दिल है, कि जो इसने परमेश्वर के लिए किया। और कईयों के पास बहुत है पर उन्हें मैंने अनाउंस किया था ऐसे 15 तक, आज कितनी है 14, तो अभी कितने लोग आगे आए इसके लिए? कुछ ही लोग आए, समथिंग कुछ लोग आए। इससे पता चलता है आपके प्रेम का, कि आपके अंदर उस मसीह के लिए कितना प्रेम है, जैसे इसके अंदर, समझते हो? तो मैंने जिस दिन ये पिछले संडे जो अपना सीट देकर गई, अपना स्पेशल 20, मैं पूरी रात इसके लिए सोचता रहा। ऐसे पहले मैं प्रेयर कर रहा था तो बार बार वो चीजें मेरे सामने आ रही थी, 3-4 बज के सुबह के, और उस दिन मैं प्रेयर ही करता रहा, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। और कुछ चीजें इसके जीवन में, हाँ कोई बात नहीं है, देखो ये आंसू परमेश्वर के प्रेम के लिए, ये आंसू नहीं है, बोलो। इसकी वजह से कभी कभी मेरा भी मन ऐसे हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उसने हमसे कितना प्रेम किया, बोलो, उसने हमसे कितना प्रेम किया, उसने अपना जीवन का बलिदान दे दिया, उसने अपना बदन तड़वाया हमारे लिए, और हम चंद पैसों के लिए, हम कैसे लोग हैं, कैसा मन है हमारे पास, कि हमारा मन ऐसे। सच में ये सच्चा प्रेम है जो लोग उससे करते, बोलो, बात पैसे की नहीं है, बात उसके प्रेम की है, बोलो क्या है, जो इसने प्रेम किया। और मैं विश्वास करता हूं कि इसके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम कर चुका है, बोलो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों, मैं खुदा का दास हूं, आप मेरे सब बहन भाई माता पिता, बोलो, कुछ लोग जो मुझसे बड़े हैं मेरे माता पिता के समान है, जो मेरे बराबर है मेरे बहन भाई, ये भी मेरी बहन, और खुदा के दास होने के नाते नाते मैं आज इसके लिए प्रेर करता हूं, इसके जीवन में जितने भी दुख हैं, हालात हैं, जहां इसके घर में जो भी, और अगर आप भी खुदा पर विश्वास करते हो, अपने हाथ को इसकी ओर करो, सब अपनी आंखों को बंद करो। हे स्वर्ग के परमेश्वर, मैं तेरे इस बच्ची के लिए, तेरा दास होने के लिए ये मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, कि जैसा मन जैसा प्रेम इसने तुझे दिखाया, हे मेरे परमेश्वर, तू से जानता है, मैं जानता हूं कि तुझमें की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं है खुदा, और जैसा मन इसने तुझे दिया है, इसके जीवन में जितने भी दुख हैं, हालात है परमेश्वर, आज तेरे दास की प्रार्थना है कि परमेश्वर जैसे तूने, मैं जानता हूं कि खुदा तूने सारे दुख उठा लिए मेरे परमेश्वर इसके जीवन में, आज से खुदा तू सच्चा परमेश्वर, तू सच्चा प्रेम करता है मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इसके बोझ को उठा, इसके दर्द, इसकी तकलीफ को, इसके दर्द को अपने ऊपर ले मेरे परमेश्वर, ये तेरे दास की प्रार्थना है परमेश्वर, हे खुदावन, इसके दर्द, इसकी भोज को उठा, इसके घर में, इसके परिवार में, इसके जीवन में खुदावन वो खुशियां दे
ताकि आसपास के लोग भी परमेश्वर के जीवन को देखकर वो हैरान हो जाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये तेरे दास की प्रार्थना है खुदाबंद। मेरे परमेश्वर तेरे दास की प्रार्थना है कि खुदाबंद तू इसे बहुत ब्लेस कर चुका है, इसके जीवन से तमाम दुखों को खत्म कर चुका है खुदा। आज खुदा इसको एक नई खुशी की जिंदगी के शुरुआत से एक नया मन, एक नई शांति, एक नया दिलेरी वाला मन तू दे चुका है। धन्यवाद परमेश्वर, मैं आश्वास करता हूं कि वो सब खुशियां परमेश्वर जिसके लिए तू क्रूस पर चढ़ा इसके जीवन में दे चुका है। यीशु के नाम से खुदावन खुदावन मैं से प्लेस करता हूं तेरे पवित्र और चलाली नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया।